एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवन हॉक ग्राफिक। और आज की वीडियो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट को करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसे हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करना, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड सॉलिड कलर। तो इसके लिए हम ब्लू कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डार्क ब्लू। देन ओके, अगेन हम फिर से एडजस्टमेंट आइकन पर जाएंगे एंड सॉलिड कलर, और यहाँ से हम व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देन ओके, फिल्टर पर जाएंगे एंड फिल्टर गैलरी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से जो हमने इफेक्ट सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ से हमने कर रखा नोट पेपर। तो इससे ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो एक पेपर वाला इफेक्ट आता है वो हमें यहाँ से मिल गया। तो यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, या इसे हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। नो, इतना ठीक है। ओके, अब ये हो गया ग्रे, लेकिन हम इस लेयर को नीचे करते हैं और हम कलर चेंज करके देखेंगे, ताकि ये जो ऊपर वाला लेयर है इससे ब्लेंड हो जाए और जो हमारा ब्लू वाला है ऐसा इफेक्ट जो हमारा इस कलर पे है वो हमें ब्लू वाले पे चाहिए। तो इसके लिए हम इसके ब्लेंडिंग मोड को हम करते हैं सैचुरेशन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब हम इस वाले को ऊपर करके देखते हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता है। यहां से अगर हम मल्टीपल करते हैं फिर ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे टेक्सचर हमारा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है यहाँ पे ऐसे। तो मुझे यही चाहिए था। देन ओके, इस लेयर को हाइड करते हैं। देन हम न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं पेन टूल, और यहाँ से हमारा सिलेक्ट होना चाहिए शेप। फिल को हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। फिल पे जाएंगे एंड ब्लू कलर, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहां से हम अप्लाई करेंगे इनर शेडो। ये देखिए इसे हम नॉर्मल कर देते हैं। साइज हम रखेंगे इसका 40, डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे पर ज्यादा नहीं। अगर मैं ज्यादा करूंगी तो ये देखिए हमारा शेडो इस तरफ से आ रहा है और यहाँ नहीं, तो मुझे चारों तरफ से चाहिए। तो इधर से आ गया इतना, साइज भी इंक्रीज करेंगे, ओपेसिटी कम करते हैं, और यहाँ पे मेरा थोड़ा मतलब हार्ड टाइप का है और कोई इफेक्ट लग नहीं रहा, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे बेवलन एम्बर्स। जहाँ पे देखिए आपको कुछ इफेक्ट नजर आ रहे होंगे, तो इसके लिए हम पहले से क्या करेंगे, साइज कम करते हैं 1, और एंगल भी चेंज करेंगे और इससे हम कर देते हैं स्क्रीन सॉफ्ट, ओपेसिटी कम करते हैं और इसी ओपेसिटी भी, ठीक है। इसे हम नॉर्मल करते हैं, ओपेसिटी कम करेंगे। नो, सॉफ्ट लाइट एंड ओके। और अब हमने क्या करना, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और यहां से फिल ऑफ करते हैं। फिल पे जाएंगे एंड ये कलर, और अब हम क्या करेंगे, इस वाले इफेक्ट को ही हम इस पे कॉपी कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे और इस इफेक्ट को ड्रैग करके हम ऊपर वाले पे लेके जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी अप्लाई हो गया है, इसका एंगल चेंज करते हैं, शेडो चेंज करते हैं हम इससे। यूज ग्लोबल हम हटा देंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से चेंज करा तो ये देखिए ये सभी का शेडो चेंज हो रहा, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ।
अगेन हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसे हम अनचेक करते हैं और देन हम इसे चेंज करेंगे। ये बहुत ये नीचे वाले लेयर पे है इसलिए ऐसा। एंड ओके, और इस वाले को हम फिर से कॉपी करते हैं पर इसे लेके आएंगे ऊपर और इसके कलर को हम करेंगे और ब्राइट ना, साइज हम कम करते हैं। और इस वाले इफेक्ट को ही हम इस पे अप्लाई करेंगे। परफेक्ट, इसे हम कर देते हैं इसके नीचे क्लिपिंग मार्क्स, तो ये हमारे अंदर चला गया ऐसे। और अब हम इसे इसकी साइज को कम करते हैं। परफेक्ट, और अब हम राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और जहां से हम अप्लाई करते हैं ड्रॉप शैडो, तो इसके एंगल को चेंज करते हैं। साइज रखेंगे 8 एंड ओके। राइट क्लिक करेंगे और यहां से हम करेंगे क्रिएट लेयर। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, कंट्रोल टी, परफेक्ट, राइट क्लिक करेंगे एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन, फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर गैलरी, और यहां से हम करेंगे टेल शिफ्ट जो ओपन होगा, और यहां से हम ब्लर करेंगे, मतलब जो हमारा ये पार्ट है ये हमारा शार्प होना चाहिए बट ये हमें ज्यादा ब्लर चाहिए, तो यहां से हम इंक्रीज करते हैं ऐसे। ये देखिए इस लाइन को हम और कम करते हैं या हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। परफेक्ट, ब्लर इंक्रीज करते हैं, ज्यादा हो गया। ये देखिए यहाँ पे शार्प है लेकिन जितना ये दूर जा रहा है यहाँ पे ये हमारा ब्लर ज्यादा हो गया, तो हमें ऐसे ही चाहिए था, तो इस चीज को हम थोड़ा और कम करते हैं। परफेक्ट एंड ओके, लेयर मार्क्स ऐड करेंगे ब्रश टूल और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है हम इस पे हम अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें यहाँ नहीं चाहिए। अब इतना तो डन है पर यहाँ पे इसके नीचे भी हमें शेडो चाहिए, तो इसके लिए हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ड्रॉप शेडो, ये देखिए ओपन हो गया, पर इस बार हम इसका जो डिस्टेंस है उसे हम रखेंगे 8, ब्लर हम करते हैं 6 एंड ओके। राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट लेयर, ओके, इसका हम सिलेक्ट करते हैं और अब हमें इसे रिवर्स सिलेक्शन करना है, तो इसलिए हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, ये पूरा सिलेक्ट हो गया और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे लेयर मार्क, तो हमारा इतना हो गया। इससे हम ओपेसिटी कम करते हैं ऐसे। परफेक्ट, इस वाले पे ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और जहां से शार्पनेस कम करते हैं। परफेक्ट, अब इसमें आप देखो थोड़ा सा गोल्डन शेड आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे और यहां से हम करेंगे ह्यू सैचुरेशन, क्लिपिंग मार्क्स, और जो सैचुरेशन है उसे हम कर देंगे -100 एंड ओके। न्यू लेयर लेंगे, एडिट पे जाएंगे, फिल एंड यहां से करते हैं हम 50% ग्रे, ओके,
ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे ओवरले, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मैप। और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं डोज टूल और हम अप्लाई करेंगे। राइट क्लिक करेंगे हम बॉन्ड टूल, एडजस्टमेंट आइकन पर जाएंगे और यहां से हम करते हैं एक्सपोजर, क्लिपिंग मार्क इसे करते हैं डार्क। राइट क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन और यहां से हम इस तरफ ड्रैग करेंगे, ये करते हैं और इसे हम करेंगे सेपरेट। तो उसके लिए हम ऑल्ट होल्ड करेंगे और एक तरफ से हम ड्रैग करेंगे ऐसे। ओके इसे सिलेक्ट करते हैं, न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल ऐसे। ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे इसका स्क्रीन चेंज करके देखते हैं, लाइनो डोर कंट्रोल डी। अगेन हम इस वाले को भी करते हैं, तो इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे, न्यू लेयर लेते हैं, ब्रश टूल और यहाँ पे हम ऐसे अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग मोड हम इससे करेंगे लाइनो डोर कंट्रोल डी। ओपेसिटी कम करते हैं, परफेक्ट। अगेन हम इस वाले को भी करेंगे, तो न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, कलर चेंज करेंगे और यहां से ऐसे। ब्लेंडिंग मोड अप करेंगे इसका स्क्रीन, लाइनो डोर, ओपेसिटी कम करते हैं, परफेक्ट। यहां से ऐसे इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, परफेक्ट। और अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेते हैं, यहां पे भी कलर इफेक्ट डालेंगे ऐसे। ब्लेंडिंग मोड अब करते हैं इसका स्क्रीन, साइज भी इंक्रीज करते हैं लेयर और यहां से भी ब्लेंडिंग मोड करेंगे स्क्रीन, ओपेसिटी कम करते हैं। और अब हम इन सभी को करेंगे ग्रुप, न्यू लेयर लेंगे और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं एलिप्स टूल और यहां पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये होगा डार्क और डार्क ले लेते हैं। शायद बहुत ज्यादा हो गया। अब लेंगे एक नो लेयर, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और ये कलर और यहां से सेंटर में अप्लाई करेंगे, फ्लो इंक्रीज करते हैं। ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे स्क्रीन, अगेन टेक अ न्यू लेयर एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और इससे ब्राइट कलर, ब्लेंडिंग मोड अप करेंगे स्क्रीन, परफेक्ट। फिर से न्यू लेयर और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे लास्ट टूल और यहां पे हम ऐसे कुछ प्रोवाइड करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे और यहां से ऐसे इसमें हम फिल करेंगे व्हाइट कलर। तो इसके लिए हम करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी
राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क। फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, रेडियस इंक्रीज करते हैं। ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे इसका ओवरले। अगेन न्यू लेयर, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क। यहां से ऐसे ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं और फिल करेंगे, कंट्रोल डी, फिल्टर एंड गॉजियन ब्लर। ओपेसिटी कम करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ड्रॉप शैडो, सॉरी, साइज इंक्रीज करते हैं। फिर से एक ड्रॉप शैडो अप्लाई करेंगे, ओपेसिटी कम करते हैं। देखिए आप, मैं दो शैडो अप्लाई कर रही हूँ। न्यू लेयर, ब्रश टूल, और साइड से हम ऐसे डार्क करेंगे। ब्लेंडिंग मोड करेंगे मल्टीपल, ओपेसिटी कम करते हैं। परफेक्ट, एंड ओके। इनको करेंगे हम ग्रुप, फेस को कॉपी करते हैं, ओपेसिटी कम करेंगे, फेस को कॉपी करते हैं। परफेक्ट, अगेन कॉपी करते हैं और इसी शेडो को हम करेंगे ऑफ। राइट क्लिक करेंगे और याद करते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिल्टर, ब्लर एंड मोशन ब्लर, परफेक्ट। गॉसियन ब्लर, परफेक्ट। इसे सिलेक्ट करते हैं, न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और यहां से हम कोई लाइन लेयर अप्लाई करते हैं। साइज सम वाइट, ओपेसिटी कम करते हैं, ब्लर, और अब हम इन सभी लेयर को करेंगे मर्ज। तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी, राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर। लाइटिंग का हमने ध्यान रखना है इसमें, तो आई होप आप सभी को मेरा आज के ये डिजाइन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।